क्या बताएं, हमारे मैके से चिट्ठी आई, कोई पढ़ने वाला नहीं दिख रहा, किससे पढ़ाएं? मैंने कहा मिस्टर, हेलो माय सिस्टर, सिस्टर मैंने कहा भाई साहब फुर्सत नहीं है, जय एक मिनट इधर देखिए, आई एम बिजी, हेलो पीछे चलो। मैंने कहा अगर समय हो तो एक मिनट हमारी तरफ, आवाज अच्छी है, सामान पता नहीं कैसा होगा, ये लो जी। क्या हो गया? आप नहीं समझेंगी, हमारे सामने जब कोई स्त्री आती है तो क्या होता, हमारे अस्तूरे में धार धर जाती है। अच्छा, क्या बगैर धार के घूम रहे हो? जी नहीं, सामान देख के तो मौसम बनता है। अच्छा एक बात ही बताइए, क्या है ये लखेवार है? हमने तो अभी तक अखबार का नाम सुना था, लखेवार बता रहे हो? ये अखबार का छोटा भाई लखेवार है। जब ट्राई कर लें कि हम, ये बताइए जी क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है आज एक सज्जन गंगा जी के पुल पे सिगरेट पीते हुए जलती हुई सिगरेट गंगा जी में डाल दिया, जिसे भयानक आग लग गई। आग को काबू पाने के लिए 14 टैंकर पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया, आग अभी तक कंट्रोल नहीं है। वाह गजब हो गया। क्या हो गया? एक मुर्दा शमशान घाट से 9 मन नकली लेके फरार है। अच्छा, छानबीन जारी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये गजब हो गया। ये क्या हुआ? गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? एक कुत्ते ने कुतिया की नाक काट ली। क्यों? कुतिया शादीशुदा थी। हैं? कुतिया शादीशुदा थी, दूसरे कुत्ते के साथ दमंग देखने गई थी। दमंग? हाँ, रुस्तम। रुस्तम? हाँ। कुत्ते गुस्सा आया, उसने आम देखा था, कुतिया के पास गया, छुरा निकाला, छुरा निकाला। अच्छा नाक काट दी। नाक काट दी। फिर और आगे क्या लिखा? ये बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? मैं गंगा का शहर प्रोग्राम करने गया था, वहाँ हलचल मची हुई थी। काहे की? आहा, हलचल मची हुई थी। काहे की? लोकल ट्रेन का इंजन अचानक गायब। बताओ इतना बड़ा इंजन कहाँ गायब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैडम आपको मालूम नहीं है क्या, आजकल बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े प्लेन गायब हो रहे हैं, तुम इंजन की बात कर रही हो? तो इतना बड़ा इंजन कहाँ गायब हो सकता? काफी छानबीन करने के बाद सबसे पहले लगाया गया GRP वाले। अच्छा। इंजन का पता नहीं चला, फिर नंबर आया UP पुलिस का, इंजन का पता नहीं चल रहा। अच्छा, नंबर आया होम गार्ड वालों का। अच्छा, इंजन मिल गया। क्या मिला? एक तवायब के तबले में घुसा हुआ था। आप बताओ इनका दिमाग खराब है? क्यों? इतना बड़ा इंजन तवायब के तबले में कैसे घुस गया? आपको मालूम नहीं है क्या, तवायब के तबले में बड़ी बड़ी जमींदारियां घुस गयी, जमींदार मूंगफली बेच रहे हैं। अच्छा, 14 बीघे जमीन हमारी भी गायब है। क्या तुम भी जाते हो तवायफ हो? क्या नहीं, शौक है, कभी कभी चले जाते हैं। अच्छा शौक है? जी हाँ जी हाँ जी। पैसा काफी है? पैसे वाले हैं, कलर देखिए, डिजाइन देखिए, सामान देखिए, देखिए सामान तो देख रहे हैं। देखिए चेक करिए। हाँ हाँ, चेक बाद में करेंगे, जरा हमारी चिट्ठी पढ़ दीजिए। चिट्ठी? हाँ, मायके से आई है। नक्शेबाजी बहुत दिखा रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं। है नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बात है, चिट्ठी चिट्ठी भर दूँ? असल बात, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्चा किया मुझे पढ़ाया लिखा। माँ बाप तो बेचारे बहुत गरीब थे, पढ़ाई नहीं पाए। जिंदा है? हाँ। उनको मर जाना चाहिए। क्यों? अनपढ़ आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे माँ बाप गाँव रहते हैं? हाँ। ऐसा पीस निकालते हैं? ऐसा पीस? अरे वो आप नहीं समझेंगे, सस्पेंस है। नहीं, चिट्ठी लाइए, ये आपकी चिट्ठी पढ़ेंगे हम। हाँ। हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया, हमको पढ़ाया लिखाया। हाँ। तो क्या इसीलिए मुफ्त में आपका काम करते रहे? तो जो आप कहेंगे वो हम आपका काम कर देंगे। लाइन पे आ रही है। शाम को क्या करना है यार? घर पे रहते। 10 बजे के बाद क्या करेंगी? कुछ नहीं, 10 बजे बाद आप मेरे घर आ जाइए। अच्छा कुछ काम है? हाँ, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट की। क्या काम बताइए? बस 5 मिनट की बात है। खाना बनाना है? अरे खाना तो मेरी अम्मा बनाती है। कपड़े धुलने हैं? कपड़ा धोबिन धुलती है। बिस्तर लगाना है? बिस्तर नौकर लगाता है ना, वो लल्ला बिरहिया। शादी हो गई? शादी तो नहीं हुई, यही तो कारण है हमारा। तो तुम्हारा मौसम कौन बनाता है? बस यही प्रॉब्लम है मैडम, यही प्रॉब्लम। आप 5 मिनट के लिए आ जाइए, बस मत पूछिए। 5 मिनट में काम हो जाएगा? 5 मिनट ज्यादा ज्यादा 10 मिनट। अच्छा, इसके आगे क्षमता नहीं है। अच्छा अच्छा, अच्छा। एक काम करिए। तो कुछ लेते क्यों नहीं? मौका तो मिले। हाँ ये भी बात सही है, मौके तो नहीं मिल रहा। इधर आइए,
अरे चिट्ठी क्या? चिट्ठी पढ़ाएंगे पढ़ानी? चिट्ठी पढ़ाओगे तो ये करोगे? जब तक हाथ नहीं धरेंगे स्याही फैल जाएगी। हाथ धरेंगे स्याही कंट्रोल में रहेगी, समझा करो बात। हाँ एक काम करो, एक काम करो, हम जब कभी नाराज हो जाते थे तो हमारी औरत हमको खुश करती थी। शादी शुदा हो और क्या तुम्हारे भरोसे बैठे क्या? तो फिर हमें क्यों बुला रहे हो 10 मिनट के लिए? समझी नहीं, ओवर टाइम, ओवर टाइम। अच्छा ओवर टाइम, हम लोग शौकीन लोग हैं। 10 बजे बाद औरत तुम्हारी सो जाती क्या? वो सो जाती। नींद की गोली देते? नहीं नींद की नहीं, टेरामाइसिन। अच्छा टेरामाइसिन इंजेक्शन लगाते हैं। क्या करती है तुम्हारी औरत? हम नाराज हो जाते हैं तो हमारी औरत मनाती है। कैसे मनाती है? मेरे प्यारे मियां तुम मुझसे क्यों नाराज रहते हो? ऐसे करना पड़ेगा? जी हाँ जी हाँ। और नहीं किया तो चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। देखो कोशिश करते हैं, हिम्मत से काम लो। गंगा मैया बेड़ा पार करेंगे। गंगा कैसेट में आई हो? हाँ हाँ ठीक है देखना। हाँ आए सेंटर मार, सेंटर में जा, आवाज तो निकले धमाकेदार। बम फटे, बम फटे। बम फटेगा तो हम बेकार हो जाएंगे। 1917 का बम फटना चाहिए, 1917 का। अच्छा 1917 का बम फटना चाहिए। 1917 बारह दोबारा मत लेना। हाँ। बहुत पेलेंगे भी। अरे तू बार बार फेलते थे, काम कर, सब काम बंद करो, जाओ अपने अपने घर जाओ, पहले तो पेल लो। थोड़ा दो एक इंच और नीचे। सेंट्रल स्टेशन छोड़ के सीधे दिल्ली पहुंच गई यहाँ। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। अनवरगंज कहाँ जा गया? कहाँ कहाँ? पहले देखो समझो। हाँ रेडी। मतलब तुम में हम में फर्क नहीं है? क्या फर्क है? हाँ क्या फर्क है? तुम्हारी जगह प्लेन है। जी हाँ। तुम्हारे पास बम है। हाँ जब फटेगा आवाज आएगी। तो जब हमारा बम फूट जाएगा तो मैं पूछेगा तो विस्फोट हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। रेडी। मेरे प्यारे मियां तुम मुझसे क्यों नाराज रहते हो? इतनी लंबाई? जितनी देर लगा उतनी लंबाई बढ़ेगी। मेरे प्यारे मियां तुम मुझसे क्यों नाराज रहते हो? तिरछा है। तिरछा फिर कौन सा? सेंटर मार, सेंटर में। अच्छा सेंटर, सेंटर वाला। सेंटर दे पहले समझ। मियां तुम मुझसे क्यों नाराज रहते हो? तो ऐसा बोले से तुम्हारी दम निकली जा रही है? दम नहीं निकल रही है, आखिरी पोजीशन यही होती है। अच्छा। मेरे प्यारे मियां तुम मुझसे क्यों नाराज रहते हो? ये लाइन हमको पसंद नहीं है। कौन सी लाइन? इसे का शौक हमको नहीं है। कौन सा शौक है? ये क्या? फिर से बताओ एक बार। नहीं आगे से मारूं। ठीक चल रेडी। मेरे प्यारे मियां तुम मुझसे क्यों नाराज रहते? पहुंचा? खड़ा कर, खड़ा कर। किसको खड़ा कर? को खड़ा कर। दोस्तों मैं आपका चहिता रंपा थरामी, जिसको आपने गंगा कैसेट के माध्यम से बरसों से सुन रहे और देख रहे हैं। अब नया धमाका जिसको देखने के लिए नेट पे ये चैनल दबाइए।